जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। गरीबी तो क्या, खुद काल भी नहीं घुसता उस घर में जहां होती है ये चार चीज। आइए जानते हैं इसके बारे में। गणेश उत्सव चालू है और 5 सितंबर तक रहने वाला है। ऐसे में अगर आप घर में बहुत सारी धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपके लिए आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपको इन 10 दिनों में अगर आप अपने घर ले के आते हैं तो आपके घर में धन की बरकत होती है, धन की बढ़ोतरी होती है और घर में खुशहाली का वास होता है। दोस्तों अगर आप धन संबंधी परेशानियों को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके घर में जबरदस्त वास्तु दोष है। अगर आप समय समय पर पूजा पाठ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और सभी देवी देवताओं को, माता पिता आदि को संतुष्ट करके अपने घर में ढेर सारी अच्छाइयों के साथ रहते हैं, फिर भी आपके घर में समस्याएं आती रह रही हैं, तो आप एक बार वास्तु दोष की ओर जरूर देख लें और इस प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए, धन एवं सुख प्राप्ति के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जिससे अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन या सुख बाधा जो भी होंगे उनका प्रभाव दूर हो जाता है। देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगती है। दोस्तों गणेश उत्सव का त्यौहार है और ऐसे में अगर आप घर में रख लेते हैं गणेश जी की प्रतिमा तो आप देखेंगे कि कैसे आपके घर में दिन पर दिन बढ़ोतरी आने लगेगी। गणेश जी का ये रूप यूं तो हर रूप में मंगलकारी होता है, विघ्न हरता है, देवों के देव, महादेव के पुत्र है गणेश। धन और सुख में बाधा को दूर करने के लिए अगर आप नृत्य करते हुए गणेश की प्रतिमा अपने घर में रखेंगे तो आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा को इस प्रकार रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की दृष्टि रहे। प्रतिमा नहीं होने पर आप तस्वीर भी लगा सकते हैं और पूजा घर में उत्तर की ओर इसे रखना चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आप नृत्य करते हुए गणेश जी को नहीं रख पा रहे हैं तो आप नॉर्मल गणेश जी का चित्र भी अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर सेम साइड में, सेम मेजरमेंट में एक आगे पीछे गणेश जी लगाएं तो ऐसा माना जाता है कि विशेष रूप से घर में बरकत और समृद्धि आती है। देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति भी आपके घर में जरूर होगी, लेकिन धन में वृद्धि के लिए लक्ष्मी जी के साथ साथ अगर घर में कुबेर भगवान की मूर्ति या तस्वीर भी रखते हैं और अगर आप इस गणेश उत्सव के दौरान लगाते हैं तो आपके घर में विशेष रूप से बरकत का वास होता है। धन तो देती है माँ लक्ष्मी, लेकिन आय के बिना धन का सुख संभव नहीं है। आय हमें कुबेर महाराज प्रदान करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कुबेर महाराज उत्तर दिशा के स्वामी हैं, इसलिए हमेशा अपने घर में कुबेर महाराज की फोटो, आप चाहे तो लक्ष्मी माता की फोटो भी उत्तर दिशा की ओर रख सकते हैं। अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि शंख एक ऐसी चीज़ है जो घर में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और दक्षिणावर्ती शंख अगर आप घर में रखें और तीज त्यौहार पर देवी देवताओं का अभिषेक आप दक्षिणावर्ती शंख से करें तो इससे आपको विशेष रूप से फ़ायदा मिलता है। वास्तु विज्ञान में शंख को वास्तु दोष दूर करने के लिए अद्भुत बताया गया है। इसमें अद्भुत क्षमता होती है और जहाँ नियमित रूप से शंख का नाद होता है, शंख का खोज होता है, वहाँ के आसपास की हवा भी शुद्ध हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में देवी लक्ष्मी के हाथों में शोभा पाने वाला दक्षिणावर्ती शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं ही निवास करती है। ऐसे घर में धन संबंधी समस्याएँ कभी नहीं आ सकती है और अगर आप चाहें तो इस शंख को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल में रखें या फिर लाल मौली बांधकर नियमित रूप से इसकी पूजा अर्चना करें तो आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। चौथी चीज जो आपने इस गणेश उत्सव के दौरान नहीं रखा है तो उसे रख लीजिए, वो है नारियल। नारियल को हम श्री फल भी कहते हैं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी,
इसीलिए नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, खासकर एक आक्षी नारियल। आपने अक्सर देखा होगा कि नारियल में तीन आँखें बनी होती है, लेकिन अगर आपका भाग्य तेज है और आपको कहीं से एक आँखी नारियल मिल जाता है, यानी कि एक आँख वाला नारियल आपको मिल जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसे आप अपने पूजा रूम में जरूर रख लें। और जिस घर में एक आक्षी नारियल की पूजा होती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर पाती। घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है और घर के लोग खुशहाल हो जाते हैं। पांचवी चीज है जो आपको इस गणेश उत्सव के दौरान अपने घर में लानी चाहिए, वो है बांसुरी। श्री कृष्ण भगवान की अद्भुत होती है बांसुरी, और बांसुरी को वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को एक चांदी की बांसुरी अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है, कैपेसिटी है, तो आप सोने की बांसुरी भी रख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप लकड़ी की बांसुरी भी लेके आ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बांसुरी ही लाएं, आप चांदी या सोने की छोटी छोटी बांसुरी भी ला सकते हैं। आप लड्डू गोपाल के आगे या कृष्ण जी के आगे या गणेश जी के आगे भी बांसुरी रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि सोने की बांसुरी अगर आप घर में रख लेते हैं तो उस घर में लक्ष्मी माता का वास हमेशा बना रहता है। सोने या चांदी का बांसुरी रखना संभव ना हो तो बांस से बनी हुई बांसुरी अवश्य घर में रखें। इससे वास्तु दोष दूर होता है और धन आगमन के योग भी बनने लगते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, या फिर नौकरी में बाधा आने पर आप अपने बेडरूम के दरवाजे पर दो बांसुरियां लटका लेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रिजल्ट होगा। ये पांच चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं और मनुष्य अगर इनको अपने घर में रख लेते हैं, लगा लेते हैं, तो बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट होता है। इससे कभी भी आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता और कभी भी घर में आय की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा घर या द्वार का वास्तु आप हमेशा स्वस्थ करके रखें। अपने घर के मुख्य द्वार पर आप भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करें और इसे सुबह उठकर प्रणाम करें, और अपने द्वार, दहलीज, सीढ़ी आदि पर पानी का या फिर गंगा जल, हल्दी का छिड़कन करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और किसी भी प्रकार के टोने टोटके का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। नीम, बबूल या आम में से किसी भी एक पेड़ की टहनी पत्तियों सहित आप अगर घर के मुख्य द्वार में लगा लेते हैं या और कुछ नहीं तो सात हरी मिर्च के बीच में एक नींबू काले धागे में पिरोकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देंगे तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाएंगी। सप्ताह में किसी एक दिन घर की साफ सफाई करते वक्त पोछे में थोड़ा सा नमक अवश्य मिला दें। आप इसके लिए कोई भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप ये ना करना चाहें तो इसके अलावा भी एक छोटा सा उपाय है जो आपको करना चाहिए, वो ये है कि एक बाल्टी पानी में थोड़ी सी शक्कर ले लें और थोड़ा सा दूध डाल लें और कुछ से अपने घर पर छिड़काव करें, और आखिर में जो भी शेष पानी है वो दरवाजे के चारों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दे। एक से एक अचूक टोटके हैं, इसमें से आपको सारे नहीं करने हैं, कोई भी एक या दो टोटका आप कर सकते हैं। जो आपको लगता हो कि आप बहुत ही इजीली और आनंद के साथ कर सकते हैं, वही उपाय करें। अमावस्या के दिन पितरों को भोजन देना, रोज पितरों को घर में जल देना, दक्षिण मुख करके एक लोटा जल अपने पितरों को अर्पण करें कि आप देखेंगे कि आपके घर के सारे कलेश कष्ट दूर हो जाएंगे। मुख्य द्वार के सामने अगर सीढ़ियां हो तो उसमें रहने वाले लोगों का भाग्य परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में बागवा मिरर्स आती है, वो आपको आपके अपने घर में लगाना चाहिए ताकि उससे आपके दिशा में परिवर्तन हो जाए और सीढ़ियों का आपके घर पर गलत प्रभाव ना करे। गणेश उत्सव है और आपको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं। अगर आपने घर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, दिवाली में हर घर में
उस दिन आपने मूर्ति लगाया है तो आप अगर नया मूर्ति ना लाना चाहे तो भी आप उसी मूर्ति में पूजा कर सकते हैं। रोज 21 गांठ की ध्रुवा बांध करके गणेश जी को अर्पण करें और आप देखेंगे कि कैसे आपके घर में बरकत का भंडार भर जाता है, कैसे धन का भंडार भरता है, सुख समृद्धि का भंडार भरता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।